सूरत ने सौराष्ट्र नो वर्षो जूनो संबंध हवे खड़खड़ करतो आगळ वच्छे। सामाजिक, व्यापारिक अने सांस्कृतिक वारसा साथे धबकतो आ संबंध वधु ने वधु गाढ़ थाय ए माटे सूरत अने सौराष्ट्र हवे जोड़ावा जई रह्युं छे जलमार्ग थी, एटले के रो पैक्स फेरी सर्विस थी। भारत देश ना यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीए आ सपनू जोयू अने भारत सरकार ना शिपिंग मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ना अथाग परिश्रम नी फलिश्रुति तरीके सूरत ना हजीरा बंदर थी सौराष्ट्र ना घोघा बंदर सुधी शुरू थवा जई रही छे रो पैक्स फेरी सर्विस, जेना थकी टू व्हीलर थी लईने प्राइवेट कार अने मोटी ट्रक जेवा वाहनों नू जळ मार्गे आवागमन शक्य बनशे। सूरत अने सौराष्ट्र वच्चे आवागमन करता लाखों लोगों ने रो पैक्स फेरी सर्विस व्यावसायिक अने सामाजिक फायदो आपशे। सामान्य रीते हाईवे द्वारा 10-12 कलाक मां थती आ सफर रो पैक्स फेरी थकी मात्र 4 कलाक मां करी शकाशे। समय बचशे, अंतर घटशे अने थशे मुसाफरी सस्ती। दिवसनी 3 राउंड ट्रीप 1 वर्षमां अंदाजे 5 लाख पेसेन्जर, 80,000 पेसेन्जर व्हीकल, 50,000 टू व्हीलर्स અને 30,000 ટ્રકની હેરફેર કરશે, જેના કારણે સુરત, મુંબઈ અને ભાવનગર જેવા મોટા શહેરોને થશે સીધો લાભ અને વચ્ચે રોજગારની અનેક તકો। ભારતમાં પ્રથમ ક્રમે આવતા દીનદયાલ પોર્ટના નેતૃત્વમાં 8 નવેમ્બર 2020ના રોજ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી રો પેક્સ ફેરી સર્વિસ અને નવનિર્મિત રો રો ટર્મિનલનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરશે। આ સંબંધ છે સુરતથી સૌરાષ્ટ્રનો, આ વિકાસ છે હરણફાળ ભરતા ભારત રાષ્ટ્રનો। Thank you.